हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपना लिली पॉन्ड का फिर दिखा रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा मैंने टब में बनाया हुआ लिली पॉन्ड है, और ये मेरे लोटस की ट्यूबर है जो मैंने परचेज़ किए थे ऑनलाइन, और ये सही से चले नहीं थे। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये देख सकते हैं इनकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। मैं सोच रही हूँ, मैंने इन्हें लगाया था जहाँ से वहाँ से इन्हें निकाल के बाहर कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये अंदर कहीं ये सड़ ना जाए। अभी मैं इनका नाम भूल गई हूँ, एक रेड है और एक पिंक कलर का है, और बहुत दूर से 11 दिन बाद मुझे रिसीव हुए थे। पर इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी और बढ़िया थे, बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे मिले थे। पर मुझे थोड़ी सी इनसे होप है, पर लगता है कि देखते हैं, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। और यहाँ से ये भी बन रहा है, इसके अंदर पॉइंट तो लग रहा है कुछ हो जाएगा, तो देखूंगी अगर हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो ये ऊपर आ गया, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे अंदर कर दे रही हूँ ताकि ये अगर होगा तो स्प्राउटेड हो जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। थोड़ा सा इन्हें दबाना पड़ेगा मुझे, और ये अब इनकी कंडीशन थोड़ी सी बारिश होने के बाद अब बेटर हो गई है, नहीं तो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। ये तो कैपेंसिस है, और मेरे पास कैपेंसिस और ये एक पर्पल जॉय है, इसमें नीचे भी इसमें भी एक बर्ड आ गई है, और एक ये कैपेंसिस है जो सीडलिंग है, लास्ट ईयर इसमें ब्लूम हुई थी, इसके अंदर भी बर्ड आई हुई है, छोटी सी बड़ आई हुई है, और इसका कलर बहुत ही प्यारा पर्पल पिंकिश कुछ मिक्स है। और ये जो लीव्स दिख रही हैं ये आपको वैनविसा की दिख रही हैं। वैनविसा को 1 साल से ऊपर हो गया, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, पर मैं वेट कर रही हूँ इसकी फ्लावरिंग होने का। और इसमें कोलोराडो है, कोलोराडो, और ये रेड नाइट ब्लूमर है, डार्क पिंक है, रेड तो नहीं है, तो इस तरह से ये लगी हुई है आप देख सकते। अभी थोड़ी बारिश होने के बाद इनकी कंडीशन बहुत बेटर हो गई है, जो कंटिन्यू डायरेक्ट धूप में रहे हैं, मैं उनकी कंडीशन भी आपको अभी दिखाती हूँ। ये मेरे लोटस का पॉन्ड था जो मैंने सीड से ग्रो किए थे, इसके अंदर ट्यूबर मैंने देखे थे, सही सलामत हैं। कहीं से एक बल्ब, ये उसी का रेड नाइट ब्लूमर है वाटर लिली, उसका इसमें कहीं रह गया होगा तो ये जमाया है, और ये वैनविसा का ही कहीं ट्यूबर रह गया होगा, ये भी जमाया है इसके अंदर। फिलहाल देखती हूँ, थोड़े एक दिनों में पता चल जाएगा। पर आप देख सकते हैं कंडीशन देख के कि डायरेक्ट सनलाइट में जो पिछले महीने धूप पड़ी है या टेम्परेचर जितना रहा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है। और ये और एक और टब है जिसके अंदर मैक्सिकन है, डायरेक्ट टब में लगा हुआ है, तो इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं। उनसे इनकी कंडीशन मैं कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि उनके कंपैरिजन में इनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, जो डायरेक्ट सनलाइट में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक की धूप यहाँ पर रहती है। मैंने बीच में इनको कवर किया था, शीट होती है, फाइबर शीट्स आती हैं ग्रीन कलर की, मैंने उससे थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन्हें दोपहर में जब चटक धूप होती थी तभी मैंने कवर कर देती थी बस, तो उसमें थोड़ी सी इनकी हालत की सुधार हुई, नहीं तो बहुत ही इनकी बुरी कंडीशन थी। और ये वाला भी है, ये थोड़ा छोटा टब है तो इसमें भी मैंने डायरेक्ट लगा रखा है, इसमें कई सारे हैं, इसमें तो मैं लगा देती हूँ फिर यहाँ से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ। ये मैडम बिलफोर्न का है, और इसके अंदर कैपिंसेस जो है ब्लू है, और एक बिल्कुल पिंक मियामी रोज़ जैसा लगता है, सीडलिंग था 3-4 साल से मेरे पास है, तो वो भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो इनकी कंडीशन भी अब पहले से अच्छी हो गई, नहीं तो लीव्स वगैरह दिख नहीं रही थी। और इसमें एक काम ये भी किया था, इनकी पत्तियां जो ख़राब हो रही थी तो मैं उनमें कंटिन्यू पानी डाल के पानी को रोज़ ही चेंज कर देती थी, ओवर फ्लो कर देती थी, तो पानी निकल जाता था जो ख़राब था, उसमें कीड़े हो गए थे, कारण थोड़ा काई धूप, और दूसरा वो छोटे छोटे जो कीड़े लार्वा थे मच्छरों के, वो पत्तियाँ खा रहे थे, उसकी वजह से पत्तियाँ ख़राब हो रही थी। देखिए इस टाइप की है, ये हो जाती है, इसका इसका जो रस होता है वो लार्वा सक करते रहते, तो ये इस तरह से फिर धीरे धीरे होके ये पत्तियों की कंडीशन इस तरीके की हो जाती है। इसमें कोई स्नेल वगैरह नहीं है, अच्छी तरह से देख चुकी मैं, तो उसके लिए मेरा बस यही है, इसमें फिश तो है नहीं,
तो मैं इसका पानी ओवरफ्लो करके लगभग रोज ही ऐसा शाम को कर देती हूँ, क्योंकि धूप की वजह से पानी तो कम होता ही है, थोड़ा सा कर देती हूँ तो ओवरफ्लो होके निकल जाता है। तो उसके साथ थोड़े थोड़े करके लार्वास अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे, है भी नहीं, तब कुछ ज़्यादा ही तादाद थी और पत्तियों को ख़राब कर रहे थे। अब इसकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर हो गई है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।